हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल इन पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो बी सेल्स है, ठीक है, बी सेल्स का रोल तो हम लोगों को पता ही है, इम्यून सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी सेल्स का जो एक डेवलपमेंट होता है ना HSCs से, वो हम लोग देखेंगे, प्लस इसका मैच्योरेशन जो होता है वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन दोनों लेके बैठ जाइए, ठीक है, और जो भी पॉइंट्स नोट हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है, उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम एक बार रिवीजन इसको कराएंगे तो चीजें फटाफट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बी सेल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से फ्लो चार्ट बना रखा है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा ना कि हिमाटोपोएसिस क्या होती है। ठीक है, हिमाटोपोएसिस, तो जो हिमाटोपोएसिस की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो हिमाटोपोएसिस बोलते हैं। बेटा ये एक एग्जांपल है कि आरबीसी जो बनता है ना, हिमाटोपोएसिस के थ्रू ही बनता है, बट सिर्फ आरबीसी ही बनता है ऐसा जरूरी नहीं है। हिमाटोपोएसिस में बहुत सारी ब्लड सेल्स बनती है, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि दो प्रकार की मेजर ब्लड सेल्स को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। पहला एक होगा लिम्फॉइड, ठीक है, और दूसरा होगा आपका मायलॉइड। ठीक है, तो जो मायलॉइड वाली स्टेम सेल्स होती है और जो लिम्फॉइड वाली स्टेम सेल्स होती है, लिम्फॉइड वाली स्टेम सेल्स आपकी क्या बनाएंगे, बी सेल और टी सेल, जबकि मायलॉइड वाली जो स्टेम सेल्स होती है वो आपकी एरिथ्रोसाइट्स और क्या बोलते हैं कि उससे रिलेटेड जो सेल्स होती है, उन चीजों को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हिमाटोपोएसिस बेसिकली आपका क्या है, एक तरीके से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल के अंदर देखो दो खास चीज होनी चाहिए। अगर हम ये बोल रहे हैं कि स्टेम सेल है, ठीक है, स्टेम सेल के अंदर दो खास चीज, पहला तो डिफ्रेंशिएट होके जो सेल बनना है वो बने, बस दूसरी चीज ये होती है ना कि अपने आप को भी रिजनरेट करे। ठीक है, तो जो अपने आप को रिजनरेट करती है ये क्या होती है, इसकी नंबर को कांस्टेंट क्लियर आता है, और डिफरेंशिएशन में जो हो रहा है, मतलब जो डिजायर्ड सेल्स बन रही है वो तो बनी रही है। जैसे मान लो आरबीसी का बनना है, तो आरबीसी का बनना अगर मान लो स्टेम सेल है, तो स्टेम सेल आरबीसी बना दे रही है, तो स्टेम सेल तो खत्म हो जाएगी ना, तो स्टेम सेल को अपने बनने के लिए भी कुछ ना कुछ सिग्नल चाहिए, मतलब ये डिवाइड होकर स्टेम सेल बनाए और फिर अगेन डिफरेंशिएट होकर ये चीज बनाए। तो हम यहाँ पे दो सिग्नल पढ़ेंगे। पहला एक होता है बीएमआई फर्स्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम सेल को डिवाइड होके और स्टेम सेल बनाने के लिए। दूसरा होता है आपका गाटा, ठीक है, तो गाटा जो होता है ना बेसिकली इसको आगे डिफरेंशिएट होने के लिए प्रोपेल करता है। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि मान लो बीएमआई एक तरीके से कम हो गया या फिनिश हो गया, तब क्या होगा, वो स्टेम सेल जब डिफरेंशिएट होगी ना, तो डिफरेंशिएट होकर सेल तो बना लेगी बट अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाती है। क्लियर है, तो देखो एचएससी सेल्स को डिफरेंशिएशन के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट होता है, एंडोसील्स नीज सेल्स होती है, और सिंपैथिक न्यूरॉन्स तो बेसिकली फैसिलिटेट कराता है मूवमेंट। ठीक है, बट ये दो चीज होती है जिसके डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल होती है। तो अब जब एचएससी क्या होती है, ये एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होती है, अर्थात स्टेम सेल चार प्रकार की होती है, एक होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा सॉरी यूनिपोटेंट प्रोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है, उसके बाद होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, उसके बाद मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स और यूनिपोटेंट स्टेम सेल। प्रोटीपोटेंट स्टेम सेल लगभग सभी प्रकार के सेल्स बना लेती है, प्लूरीपोटेंट भी लगभग ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रकार के सेल्स बनाती है, मल्टीपोटेंट मतलब इससे थोड़ी कम प्रकार की सेल्स बनाती है, और यूनिपोटेंट एक ही प्रकार की सेल्स बनाती है। ठीक है, तो एचएससी क्या है ना, ये आपकी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा ना लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स और यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हो जाएगी। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे ना तीन अलग सिग्नल आते हैं, डिफरेंशिएशन के लिए गाटा टू होता है, और रिन्यूएशन के लिए क्या होता है, बीएमआई फर्स्ट। इसके अलावा तीन फैक्टर्स और आते हैं, ऐसे स्टेम सेल फैक्टर्स होता है, सीकिट आता है, स्कॉवन। ठीक है, तो ये तीनों जरूरी होते हैं जो डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे, लेकिन इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है कि ये मायलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बनाएगा या लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स बनाएगा, ये इंटरल्यूकिन 3
द्वारा होता है, इंटरल्यूकिन थ्री क्या करता है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बनाता है, बट इसके साथ साथ इंटरल्यूकिन फर्स्ट और सिक्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स होता है इसके लिए पहले जानते हो पहले आता है आई क्रॉस और फिर आता है इंटरल्यूकिन सेवन, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि इंटरल्यूकिन सेवन आता है तो आपका लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स बनेगा। भाई आई क्रॉस आता है फिर ये लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स बन जाता है। अब ये दो चीज बनाता है, या तो नेचुरल क्योर सेल्स बनाएगा, अगर इंटरल्यूकिन सेवन नहीं है तो ये नेचुरल क्योर सेल्स बनाएगा, और अगर इंटरल्यूकिन सेवन है तो ये बी सेल्स बना सकता है या टी सेल्स बना सकता है। और यहाँ पे नॉस के प्रेजेंट में ये बी या टी सेल डिफरेंस, क्योंकि ये गड़बड़ है। देखो अगर नॉस प्रेजेंट है, नॉस वन प्रेजेंट है तो टी सेल बनाएगा, अगर नॉस नहीं है तो ये क्या बनाएगा आपका, बी सेल्स बनाएगा। तो इसमें हम लोग को ये बी सेल्स वाला देखना है, ठीक है। और ये माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में देखो इंटरल्यूकिन फोर आता है तो आपका बेसोफिल से मास्ट सेल बनता है, इंटरल्यूकिन फाइव होता है तो एसोफिल बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है तो ये होता है आपका, एट्रोपोइटिन होता है तो ये बनता है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन सेवन के अलावा इंटरल्यूकिन फर्स्ट और सिक्स भी आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना ये सब सारी चीजें। अब हम लोग फोकस करेंगे इसको बी सेल्स को। तो चलो बी सेल्स पे इसकी पहले खास बात हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये प्रोफेशनल एपीसीज होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, और ये एक्सप्रेस करती हैं बॉडी प्रोसेस एंटीजन को एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकेंड के थ्रू। और ये आप देखेंगे इसका जो सर्फेस मार्कर होता है CD19 होता है, इस पे क्या बोलते हैं कि जो मेन रिसेप्टर्स होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है और डी होता है। ये पार्ट होता है किसका, ह्यूमरल इम्यूनिटी का या एडॉप्टिव इम्यूनिटी का। ये एक तरीके से इननेट का भी पार्ट हो सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस कराता है, तो हम बोल सकते हैं कि यार ये एक तरीके से इननेट का भी थोड़ा पार्ट रोल प्ले करता है, बट मेजर जो रोल होता है ना वो आपका किसका होता है, एडॉप्टिव का होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल्स भी बनाएगा बट प्लाज्मा सेल के ऊपर CD19 नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाता है। तो इस पे बेसिकली चार प्रकार के जो मार्कर्स हैं वो पाए जाते हैं या रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो पहले देखते हैं ना कि बी सेल सरफेस मार्कर में पहला जो रिसेप्टर है, ठीक है, पहला जो होता है वो मेन रिसेप्टर होता है, उसके बाद को रिसेप्टर्स होंगे, उसके बाद रेगुलेटरी रिसेप्टर्स और को स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। मेन रिसेप्टर में मेम्ब्रेन IgM आ जाएगा, मेम्ब्रेन IgD आ जाएगा, ठीक है, और IgA, IgB, लेकिन IgA को CD79A बोलते हैं और इसको CD79B बोलते हैं, इसको भी ये याद रखना भाई, IgA और IgB की जगह पे ये चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेजर रिसेप्टर हैं जो एक तरीके से रिसेप्टर का काम करते हैं। इसके साथ साथ में कुछ को रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे CR2, CD19, ये तो मार्कर भी है ना। मार्कर और रिसेप्टर में क्या डिफरेंट होता है, देखो मार्कर जो होता है ना एक्सक्लूसिवली उसी प्रकार के सेल्स पे पाया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं कि CD19, तो CD19 एक्सक्लूसिवली बीटा सेल पे ही पाया जाएगा और कहीं है देखने को नहीं मिलेगा। और टापा वन को कभी कभी देखो CD81 के फॉर्म में पूछ देगा, तो इसको ध्यान रखना CR2, CD19 और टापा 1, ये हो गए। अब फोस्टिमुलेटरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर फोर जो कार्बोडेट माइटी से बाइंड करता है, आपके क्या बोलते हैं कि जो एंटीजेनिक जो कार्बोडेट माइटीज होती है उससे बाइंड करता है बैक्टीरिया, उसके CD14 हो गया, B7 जिसको CD1886 बोलते हैं, और ICAM, ये एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रेगुलेटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, MSC फर्स्ट और MSC सेकंड, जो कि आप जानते हैं एंटीजन को एक्सप्रेस करेंगे, और CD22। तो ये चारों जो है ना डिफरेंट रिसेप्टर्स, इसको भाई मार्कर्स में उसको आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पुटअप होते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये पूछ दिया जाता है कि ये वाला जो है ना मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोबिन एम, MIGM और IgM में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ये जो होता है ना वो एक ही यूनिट होती है, मतलब इम्यूनोग्लोबिन की, और IgM जो प्लाज्मा वाली होती है, ये प्लाज्मा में पाई जाएगी, ये मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, ये एक यूनिट होती है, ये पांच यूनिट की मिलके बनी होती है, ठीक है, पांच यूनिट के मिलके बनी होती है। IgM पेंटामेरिक होता है भाई, और ये जे चेन के थ्रू ज्वाइंट होती है, तो इसमें जे चेन होगा, इसमें जे चेन नहीं होगा, ये पेंटामेरिक होगी, ये मोरम मतलब एक स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बी सेल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले HSC आपका रहेगा, HSC पे मैंने क्या बोल दिया था, BMI फर्स्ट, गाटा आ जाएगा,
तो ये अपने आप को एक तरीके से डिफरेंशिएट करेगा, बाकी जो फैक्टर्स आएंगे वो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एनीवे ये डिफरेंशिएट करेगा तो पहले क्या बनेगा ना, मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है। तो ये सबको बना सकता है, आरबीसी में और मेगाकैरियोट, मतलब ये इसमें सिर्फ एक क्या क्वालिटी नहीं होती, इसमें सेल्फ रिन्यूअल की क्वालिटी होती है, बट इसके अंदर सेल्फ रिन्यूअल की क्वालिटी नहीं होती है। ये स्टेम सेल है बट अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता। इसका रीजन ये होता है ना कि इस पे CD34 आ जाता है। CD34 पे भी क्वेश्चन पूछा गया कि CD34 अगर अटैच हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या प्रॉपर्टी लॉस करेगा, तो सेल्फ रिन्यूएबल जो प्रॉपर्टी होती है उसको ये लॉस करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे CD34 हट जाता है और ये आपका बनाता है लिम्फाइड प्राइम मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है। इसकी खास बात ये होती है कि ना कि इस पे FLT3 ये आपके आके एक लगता है और ये मोटी, ये एक तरीके से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होता है ना इसको एक्टिवेट करता है कि इंटरल्यूकिन 7 को बनाए। इंटरल्यूकिन 7 आपको पता ही है एक तरीके से आपका जो लिम्फाइड सेल्स के लिए होता है, बी या टी सेल्स के लिए बनाने के लिए आएगा। एनीवे तो ये एक तरीके से FLT3 एक्सप्रेस करना शुरू करता है और ये क्या करेगा, इसको एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट ये क्या आता है ना कि अब ये जो नेक्स्ट स्टेज में आएगा, देखो अभी भी ये रिवर्ट बैक हो सकता है लेकिन नेक्स्ट स्टेज में ये क्या आता है, अर्ली लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स बनाता है और इसपे RAG1 RAG2 ये करके आ जाता है और इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये बैक नहीं फ्लो हो सकता, मतलब इसका कमिटमेंट एक तरीके से हो गया कि अब ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं अर्ली लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक है, ये टी सेल्स ही है। अब ये अर्ली लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स में जाएगा और फिर यह प्री प्रो बी सेल्स बनेगा, प्री प्रो बी सेल्स, ठीक है। प्री प्रो बी सेल्स में देखो इंटरल्यूकिन 7 रिसेप्टर्स है, इंटरल्यूकिन 7 को रिसेप्ट करेगा ही करेगा, तो ये आपका लिम्फाइड सेल्स बनाने की तरफ मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसमें देखो हमने क्या देखा था, नॉस रिसेप्टर, नॉस 1 क्या होगा, इसमें एबसेंट होगा, मिलेगा नहीं। नॉस 1 अगर मिलेगा तो ये किसमें बन जाएगा, ये टी सेल्स में बनेगा, लेकिन नॉस 1 नहीं मिला तो ये किसमें होगा, एक तरीके से बी सेल। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ये सेल रिटेन कर रही है ना बोन मैरो में तो वो बी सेल से बनेगा, अदरवाइज अगर उसको टी सेल बनना होता है ना तो वो बोन मैरो को लीक कर देती है यहाँ पे, ठीक है। वो टी सेल्स में हम लोग देखेंगे कैसे वो लीक करती है। तो ये देखिए जब टी प्रो बी सेल्स बनता है ना तो इसमें पहले डीजे रिकॉम्बिनेशन, डीजे मतलब चेन का अरेंजमेंट होता है, फिर ये प्रो बी सेल्स बनता है और फिर इसमें देखेंगे वी डीजे रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक तरीके से हैवी चेन फॉर्मेशन करता है, इसका जो रीअरेंजमेंट होता है वो हैवी चेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हैवी चेन किसका, आईजीएम उसका हैवी चेन का फॉर्मेशन कराना शुरू करता है। देखो ये भी पूछा गया कि पहले हैवी चेन का फॉर्मेशन होता है या लाइट चेन, क्योंकि दो चीज होता है ना, इम्यूनोग्लोबिन में एक हैवी चेन होता है दूसरा लाइट चेन होता है, तो ये जो बता रहा है ना पहले हैवी चेन का फॉर्मेशन होगा उसके बाद लाइट चेन का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका प्री बी सेल्स में कन्वर्ट हुआ, ये हायरार्की भी याद रखना, प्री प्रो बी सेल, प्रो बी सेल्स और प्री बी सेल्स ये बनता है। और फिर इस पे हम लोग देखते हैं ना कि आईजीएम मेम्ब्रेन इसके फॉर्मेशन हो जाता है और ये इमैच्योर बी सेल बनती है। अब ये इमैच्योर बी सेल जिसके पास आईजीएम है, आईजीडी अभी नहीं है, आईजीडी हम लोग देखेंगे कि लेटर ऑन धीमे धीमे डेवलप होता है, ठीक है। ये क्या करता है ना, स्किप करता था, अभी तक यहाँ का जो स्टेज चल रहा था ना वो बोन मैरो में चल रहा था और यहां से हम देखेंगे कि ये जो इमैच्योर सेल्स है ये बोन मैरो को, मतलब मैच्योर सेल्स है बट नाइव है। नाइव का मतलब, नाइव का मतलब क्या होता है कि अभी वो एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहां से मूव करेगा कहां पे जाएगा, बोन मैरो तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये कहां मूव करके जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और यह सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, एक तरीके से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के देखेंगे मेजर जो एंटीजन के एनकाउंटर के लिए हेल्पफुल होते हैं। पहला होता है आपका स्प्लीन, दूसरा लिम्फ नोड। तो स्प्लीन में वैसे एंटीजन ज्यादा आते हैं जो ब्लड में डायरेक्ट आते हैं, अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो एंटीजन आएगा और यहाँ पे स्प्लीन में जाएगा और फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि बी सेल्स का एनकाउंटर होता है। बट अगर वो टिश्यू का इन्वेट करते हुए कोई माइक्रोब आ रहा है तो उसका जो एनकाउंटर होगा वो कहाँ पे होगा, लिम्फ नोड में होगा। ये हम एक लेक्चर लिए थे जिसमें लिम्फाइड सिस्टम पढ़ाए थे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में मेजर आपका क्या बना, नाइव सेल्स बने, बी सेल्स बनते हैं और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में इसका एनकाउंटर होता है एक तरीके से एंटीजन से और फिर ये लर्न करती है हाउ टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बी सेल का जो मैच्यूरेशन होता है जब आपका पहुंचता है किसमें,
सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में, तो सबसे पहले तो स्ट्रोमल इंट्रेक्शन होता है। स्ट्रोमल सेल्स क्या करते हैं ना, एमएससी के थ्रू एंटीजन को एक्सप्रेस करती है। अगर इस एंटीजन से यह बी सेल बाइंड कर गया, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, और इसको क्या कर दिया जाता है ना, एलिमिनेट कर दिया जाता है बी सेल्स को। यानी कि इस ये अगर मान लो कि रिकॉग्नाइज कर रहे और उसको एलिमिनेट नहीं किया गया, तो आगे चल के ना सेल्फ एंटीजन को ही किल करने लग जाएंगी, और ये एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज कॉज करेगा। इसलिए इस प्रकार की सेल को हटा दिया जाता है, या इसके पास तीन ऑप्शन बचते हैं। पहला, अपने आप को प्रोसेस कर ले, मॉडिफाई कर ले तो बच जाएगी, नहीं मॉडिफाई करे तो थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई करे कि इस एंटीजन को ना रिकॉग्नाइज करे। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, ये रिकॉग्नाइज कर ही रही है, तो इस सेल के अपर प्रोसेस करा दिया जाता है। तो स्ट्रोमल सेल जो एक तरीके से एमएससी रिकॉग्निशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सेल का एपोप्टोसिस कराना है कि नहीं कराना है, जो नाइव बी सेल्स होती है, तो अभी एंटीजन से उसका इंट्रेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं कि T1 और T2 ट्रांजिशंस होता है। T1 इमेच्योर होता है, T2 मैच्योर होता है, बस इतना ध्यान रखना। BFF रिसेप्टर अगर उसके सरफेस पे है, तो ये क्या करेगा ना कि रिसेप्टर को BFF को एक्सेप्ट करेगा, और फिर ये कुछ सिंथेसिस कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स। तो ये इसको एपोप्टोसिस होने से रोकता है, तो यानी ये इसके सर्वाइवल को बनाता है, ठीक है। तो BFF का काम क्या है, वो उसके सर्वाइवल सिट को मेंटेन रखेगा। अब ओवरऑल बी सेल देखेंगे ना, तो हम तीन प्रकार के कैटेगराइज कर रखे हैं। B1 जो कि आपकी प्रोफेशनल ACPs की तरह काम करती है, यानी MSC एक्सप्रेस करके एंटीजन को एक्सप्रेस करेंगे APC की तरह, प्रोफेशनल ACPs ACP की तरह काम करेगी। दूसरा जो टाइप ऑफ B2 है, वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल की तरफ क्या करेगा, प्लाज्मा क्या करेगा आपका एंटीबॉडी बनाएगा, और मेमोरी सेल्स क्या करता है, रिऑर्गेनाइज करके कोशिश करता है। तीसरा होता है आपका मार्जिनल जोन, ठीक है। मार्जिनल जोन में जो बीज होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं इसको सेव करने के लिए। तो ये हम लोगों ने कुछ बी सेल का देखा कि ये किस तरीके से अपना बनती हैं, मैच्योर होती हैं, ठीक है, और इसका जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है। मेजर जो चीजें है ना, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, सरफेस मार्कर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स, रेगुलेटर्स और को स्टिमुलेटर्स, और ये इसके फंक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लोग देखेंगे ना कि जो टी सेल्स है, ठीक है, टी सेल्स का हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है, कि मतलब जो बोन मैरो में जब ये बी सेल्स अगर लिम्फॉइड सेल्स है, ठीक है, तो बोन मैरो में अगर हो रहा है तो बी सेल्स बनेंगे, और बोन मैरो को छोड़ देता है ना, तो वो किस में जाएगा, थाइमस में जाएगा, तो फिर वो एक तरीके से टी सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये बी और टी सेल्स दोनों जब इनकाउंटर होगा, कहाँ पे इनकाउंटर होगा एंटीजन से, ये दोनों नाइव होती हैं। नाइव का मतलब अभी इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये लिम्फाइड सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स में इनका एक तरीके से इंट्रेक्शन होता है। सेकेंडरी लिम्फाइड, लिम्फ नोड, स्प्लीन और ये सब सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वीडियो लेक्चर है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, जो हम लोग टी सेल्स वाले पे देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग देखिए इसको, शेयर करिए बहुत लोगों को, कि बहुत लोगों को बेनिफिट हो, और इससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। और अपने सजेशन जो है वो प्लीज फीडबैक में जरूर दीजिए। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।